हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक नया वीडियो लेकर के फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, और टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो हम लोग जा रहे हैं एक नया डिवाइस इंस्टॉल करवाने के लिए अपने हेलमेट पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक लॉन्ग राइड पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, फ़ोन से ही आपका ज़्यादातर काम होता है, आपका बिजनेस है, और आपको राइड भी पसंद है, राइड के भी शौकीन है, लंबे लंबे राइड्स के, तो फिर भाई ये डिवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भाई ये लग जाएगा आपके हेलमेट में, और उसके बाद आपको फ़ोन कॉल्स की कोई टेंशन नहीं है भाई। फ़ोन आएगा, खुद ब खुद उठ जाएगा, ठीक है, आपको उठाना नहीं पड़ेगा, आपका हाथ इंगेज नहीं होगा। तो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है ये डिवाइस आप लोगों के लिए। और चूँकि मैं भी भाई लंबे लंबे राइड्स करता हूँ, मेरे को भी पसंद है, और फ़ोन कॉल्स तो आते ही रहते हैं, और इसमें क्या है कि आप थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कर सकते हो लॉन्ग राइड्स पे। अगर बोर हो रहे हो तो म्यूज़िक वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है मेरे हिसाब से, तो ये होना चाहिए हर एक बाइकर के हेलमेट पे। तो आज हम इसी को करने जा रहे हैं इंस्टॉल अपनी हेलमेट पे, तो पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस चीज़ के बारे में कि कहाँ से लेते हैं। और ये देखो मुझे कौन मिल गया, आकाश, अपने राइडर्स ऑफ रांची का ग्रुप का लड़का 390 में। हाय, क्या हाल है आकाश? हम जा रहे हैं इंडिया टायर कंपनी, घर तो मेरा उधर है प्लाजा पास, वो लगवाने जा रहे हैं इंटरकॉम। अरे मैं पता था ये सुपरवाइजर आया है, चलो चलते हैं। जा रहे कहीं और, ये लो तक में। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नहीं पता कहाँ। अच्छा ठीक है, कौन सा है तेरा? टीटी कोर्सा का वाइजर ना, ठीक है पूछ लेंगे। तो यहाँ मिल गया था रास्ते में आकाश, जा रहा है लड़का कहीं कॉलेज के काम से। तो चलो चलते हैं इंडिया टायर कंपनी, जहाँ से भाई हम सारे अपने राइडिंग एक्सेसरीज गियर्स वगैरह लेते हैं। तो चलते हैं इंडिया टायर कंपनी और देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन कि कैसे इंस्टॉल होता है, क्या प्राइस है, क्या मॉडल है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हूँ करबला चौक पे, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो चलो मिलते हैं अब आप लोगों से आगे। और ये भाई पहुँच गया हूँ मैं लगभग बहू बाज़ार, और लगभग पहुँच ही गया हूँ। यहाँ से ले लेता हूँ अंदर, और ये भाई हम पहुँच चुके हैं इंडिया टायर कंपनी। क्या हाल है भाई? ठीक है। तो भाई आ चुके हैं हम लोग इंडिया टायर कंपनी, और यहाँ पे देखो कौन है हमारे साथ, जसदीप भाई। हेलो, इंडिया टायर कंपनी के ओनर। और देख लो भाई, बेहतरीन कलेक्शन है हेलमेट का, अगर आपको लेना हो तो आँख बंद करके बहू बाज़ार चौक आ जाना भाई, रिलायंस फ्रेश के बगल में है दुकान अपना इंडिया टायर कंपनी का, ठीक है। और सीधा भैया से मिल लेना, इंस्टाग्राम का पेज भी है इनका, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बेस्ट डील मिलेगा आपको हेलमेट पे और सारे राइडिंग एक्सेसरीज पे, टायर्स पे, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे एकदम बढ़िया, है ना, बजट में। तो आओ बिल्कुल, और आकर के देखो यहाँ पे, ज़रूर चेक करना भाई। और हम लोग आए यहाँ पे लेने फ़िलहाल आज इंटरकॉम, तो इंटरकॉम दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या क्या मॉडल अवेलेबल हैं और क्या क्या प्राइस रेंज है इन सब का। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर भाई अपने पास है तीन मॉडल इंटरकॉम का, ये देखो। सबसे पहले भाई ये आता है अपना V6, ये V6 आता है। जसदीप भाई क्या प्राइस है इसका V6 का? 4300 के रेंज में आएगा, 4300-4400 के रेंज में आपको V6 आ जाएगा, ओरिजिनल वाला। हाँ, और अगर आप मेरे थ्रू आते हो तो भाई थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, एकदम डिस्काउंट जरूर मिलेगा आपको। ये उससे अपग्रेडेड वर्जन है, V6 प्रो हो गया,
प्रो सीरीज, इसका प्राइस क्या आएगा? ये 200-300 रुपये और महंगा जाएगा, 200-300 रुपये महंगा जाएगा। और जो लेटेस्ट है भाई हमारे पास वो है V7, ये भाई लेटेस्ट है। इसमें क्या है कि थोड़ा आपको साउंड वगैरह बढ़िया और ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी के साथ मिलता है, तो ये सबसे लेटेस्ट है। इसका क्या प्राइस रेंज आएगा जल्दी भाई? 6000 कुछ कम हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आते हो भाई मेरे चैनल के थ्रू तो आपको ज़रूर से डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो, सब ओरिजिनल है क्योंकि इसके पीछे देख सकते हो सब में आपको पिन नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, ये सब में देखो भाई नहीं लिखा रहता है वो, फिर आपको सब कॉपी है। अच्छा, मैक्सिमम जो ऑनलाइन बिक रहा है जैसे V6 का भी ना 2500-3000 में भी आता है, तो वो सारे कॉपी मॉडल्स हैं। अच्छा अच्छा, ये सब ओरिजिनल, तो ये सारे ओरिजिनल है। इसमें कुछ वारंटी वगैरह भी रहेगा क्या? देखिए ऐसे तो चाइनीज प्रोडक्ट है तो मैक्सिमम विदाउट वारंटी आता है, बट कोई कोई जैसे V7 में भी आ रहा है आपको 6 महीने की वारंटी के साथ। अच्छा चलो बढ़िया है, तो बिल्कुल भाई हमारे ग्रुप में और भी लड़के हैं, सुमित भैया हैं, ये लोग सारे लोग यूज कर रहे हैं इसको, है ना? सुमित भैया तो आपका V6 हमको लगता एक दो ढाई साल जैसा हो गया यूज करते हुए, आज तक कोई शिकायत नहीं आई है इस प्रोडक्ट में। बैटरी 25-30 दिन का आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाता है, बढ़िया एकदम हाई स्पीड पे आप आराम से इसमें कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलो अब इसको हम लोग इंस्टॉल करवाते हैं अपने हेलमेट पे, है ना, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा रहता है पूरा सेटअप। भाई यहाँ पे चल रहा है अपना इंस्टॉलेशन, और मैंने लिया है भाई ये वाला, फाइनल किया है मैंने V6 Pro, ठीक है, V6 Pro मैंने लिया है, और यहाँ पे चल रहा है इंस्टॉलेशन का काम भाई कर रहे हैं जसदीप भाई। ये क्लिप है ना, ये जो कि क्लैंप है जो कि इसको होल्ड करेगा बाहर में, है ना? अच्छा, ये अंदर के साइड से लग जाएगा। अच्छा, तो ये देखो भाई इस तरीके से ये लगता है यहाँ पे, और टाइट करना और लगा करके फिर ये अंदर से भाई इस तरीके से टाइट हो जाता है ये। हर टाइम है ना, और इसको कुछ भी छुपाने उपाने की जरूरत नहीं क्योंकि कंप्लीट वाटर प्रूफ रहता है ना, कंप्लीट वाटर प्रूफ रहता है। अगर वीडियो देखोगे तो सीधा पानी टैप के नीचे धोने का वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बहुत ही बेहतरीन है भाई, पूरा कंप्लीट वाटर प्रूफ रहता है, हेवी रेन में भी राइड करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं होता है इस डिवाइस को। और अब जो है कि माइक और स्पीकर को हम लोग एडजस्ट करने जा रहे हैं अंदर में, तो ये देखो जगह दिया हुआ है वहाँ पे, हम लोगों ने पहले ही वो देखो ग्लू लगा लिया है, बस उस पे सीधा हम लोग को ऐसे चिपका देना है स्पीकर को। आजकल क्या है ना, ब्लूटूथ कंपैटिबल हेलमेट से। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कट भी दिया हुआ है, कट दिया हुआ ऑलरेडी, ये वायर इसके अंदर से ही पीछे साइड जाने के लिए रास्ता है, तो यहाँ से डाल के वायरिंग को बस अंदर कर देना, और वायरिंग को बस अंदर करते जाना है जो भी हमारा पैडिंग है उसके अंदर से, बस ज्यादा कुछ है नहीं, बस प्लग एंड प्ले सिस्टम है तो ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, बस तार को अंदर डालते जाओ भाई, पैडिंग पैक करते जाओ, पैक करते जाओ, इस साइड कंप्लीट पैक हो गया। हाँ, एक साइड हो गया, बस दूसरे साइड बचा है। नहीं, वीडियो मोनेटाइज होने के बाद से ही जो है कि और ज्यादा डालना है, डालते यार टाइम बनाने का कम है। जैसे इस पे बना सकते थे इंटरकॉम पे, अभी आया हुआ है ना, वहाँ नहीं देखे, इंटरकॉम का बनाया और हेलमेट का थोड़ा अलग ही लुक आ जाता है ना इंटरकॉम लगने के बाद, और ज़्यादा मतलब क्लासी स्टाइलिश टाइप लगने लगता है थोड़ा, कि ये भाई एक अलग सा डिवाइस रहता है चिपका हुआ, बस एक टेंशन फ्री रहेगा आदमी, टेंशन फ्री रहता है, सही। और ऑटोमेटिक इसमें कॉल भी उठ जाता है ना, रिसीव हो जाता है, उठाने का भी टेंशन नहीं है कि मोबाइल निकाल के उठाओ, सही है भाई। माइक के लिए यहाँ पे हमने लगा दिया है ग्लू, अब जो है जाएगा माइक, ये है हमारा माइक, ये देखो चिपक गया इधर, बस अब बस तार को ढकेलना है अंदर और करना है पैडिंग को पैक, हो गया खाली, अब पैडिंग लग जाएगा यहाँ से, कंप्लीट सेटअप डन।
थोड़ा सा क्या है कि भाई हमें पैडिंग को कट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे जो स्ट्रैप है ये गोप्रो के लिए जो मैंने लगाया है माउंट का स्ट्रैप कट हो रहा है, ये साइड वाला सिर्फ उसका पार्टिकल कट हो रहा है, इंटरनल पैडिंग नहीं कट हो रहा है, वो बस जो अंदर में स्टक होता है ना, अंदर में टकिन होता है, बस वो वाला पार्ट थोड़ा सा कट करना पड़ रहा है वायर को पास करने के लिए, उससे कोई इशू नहीं है। नहीं तो फिर वायर क्या होगा कि उससे जो दब करके वायर है ना कटने का भी चांसेस रहता है, ऑडियो क्वालिटी भी खराब होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा हमने बस वो प्लास्टिक वाले पार्ट को कट किया है। तो भाई कंप्लीट है हमारा इंस्टॉलेशन, ये देखो तो ये लग करके तैयार है इंटरकॉम, और अच्छा लुक आ रहा है, है ना, ऑड नहीं लगता है बिल्कुल भी, बाहर में रहता है फिर भी देखो कितना अच्छा लगता है। ये अप टू 6 डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, 6 लोग इसमें कनेक्ट हो सकते हैं इंटरकॉम में, और इसका जो रेंज है वो कितना रहता है, 1 किलोमीटर इसका रेंज रहता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर राइडर्स आगे पीछे हैं तो एक दूसरे से मतलब वो कर सकते हैं कनेक्ट और बता सकते हैं अपना लोकेशन या जो भी है, तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग राइडर्स के लिए, तो होना चाहिए सबके पास अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो, है ना, तो आपको होना चाहिए अगर आप ग्रुप में चलते हो तो। तो ये देखो भाई फाइनल हमारा ये प्रोडक्ट है, और इंस्टॉलेशन के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी आपको पहन करके दिखाते हैं एक बार हेलमेट का कि कैसा लुक आ रहा है। ये देखो भाई कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका, ये देखो चेक करो, ऐसा लुक आ रहा है इसका है कि भाई हेलमेट में मैं एक और चेंजेस करा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये मैं क्लियर वाइजर विथ एंटी फॉग इंस्टॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई आ गया है ठंडी का दिन, और ठंडी के दिन की वजह से भाई ये जो वाइज़र है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉग जम जा रहा है, तो बहुत दिक्कत होता है, खोल के नहीं चला सकते क्योंकि हवा आती है बहुत ज़्यादा, और बंद करके चलाने से ये दिक्कत हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फॉग जम जाता है, तो पूरा विजन ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से जो है कि इसमें भाई क्लियर वाइज़र प्लस एंटी फॉग हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो चलो इसको करवाते हैं इंस्टॉल। तो भाई लग चुका है इंटरकॉम, और वाइज़र भी लगवा लिया हमने एंटी फॉग क्लियर वाइज़र, और झोले में ले लिया भाई अपना ब्लैक वाला वाइज़र, क्योंकि बाद में फिर मैं चेंज कर लूँगा, क्योंकि वाइट वाला का लुक भाई सही नहीं आता, तो ब्लैक हेलमेट के साथ ब्लैक वाइज़र ही अच्छा लगता है। तो चलो अब चलते हैं वापस घर, हमारा हो गया है काम सही से बढ़िया एकदम, और मस्त एकदम गाना सुनते हुए जाएंगे अभी, और देखते हैं गोप्रो में इसके स्पीकर का आवाज़ आता है या नहीं, लेट्स सी, अभी गाना बजा के देखते हैं। तो ये भाई हमने चला दिया है मस्त भोजपुरी गाना, अब पता नहीं भाई माइक में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं ये गाना गोप्रो में, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे।